मिलिए दिल्ली के प्लास्टिक आर्टिस्ट से, घर घर जाकर कूड़ा उठाते हैं ताकि शानदार चीजें बना सके। इस कमाल के आर्टिस्ट के लिए एक लाइक तो बनता ही है। दुनिया भर में कई ऐसे कलाकार हैं जो अपने विशेष कार्य की वजह से तारीफें बटोर रहे हैं। उन्हीं में से एक कलाकार है दिल्ली के मनवीर सिंह, जिन्होंने प्लास्टिक के कचरे से एक से बढ़कर एक आकर्षक कलाकृतियों का निर्माण किया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे उनके इस काम की जमकर तारीफ हो रही है। वो लोगों के घर घर जाकर प्लास्टिक कचरा जमा करते हैं और उससे कलाकृतियां बनाते हैं। 3 साल में उन्होंने करीबन 250 किलो प्लास्टिक कचरे को लैंडफिल साइटों पर डंप होना रोका है और उससे कलाकृतियां बनाई हैं। दिल्ली की लैंडफिल साइटों पर पहले से कचरे का बोझ ज्यादा है। कचरे को रिसाइकिल करने के लिए दिल्ली के नगर निगम कड़ी मेहनत कर रही है। ऐसे में इतनी मात्रा में प्लास्टिक कचरे को लैंडफिल साइटों पर जाने से रोककर मनवीर सिंह ने दिल्ली के नगर निगम की मदद की है। प्लास्टिक कचरे से बनाई गई उनकी कलाकृतियों को देश की जानी मानी आर्ट गैलरियों में स्थान मिला है। मनवीर सिंह पेशे से कला शिक्षक हैं। उन्होंने अब तक 11 कलाकृतियों को प्लास्टिक कचरे से तैयार किया है, जबकि 12वीं पर काम कर रहे हैं। मनवीर ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की इच्छा से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। उन्हें शोध के दौरान पता चला कि कुओं की खुदाई में पानी की जगह प्लास्टिक निकल रहा है। तब उन्होंने तय किया कि अपनी पृथ्वी को प्लास्टिक ग्रह बनने से बचाने में वो योगदान देंगे। अब सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करवाने और प्लास्टिक कचरे को अलग रखने को मनवीर ने अपना मिशन बना लिया है। उनके प्रत्येक आर्ट वर्क में प्लास्टिक कचरे से संबंधित कोई ना कोई संदेश जरूर होता है। इनके इस कमाल की सोच और एक कदम के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। आपका क्या कहना इस बारे में कॉमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।